एक बार फिर झज्जर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 36 वर्षीय किसान योगेश पुत्र रामचंद्र के रूप में हुई है। सालहावास थाने में जांच अधिकारी ASI नविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि झज्जर के गांव सुंदरहेटी में मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार 36 वर्षीय किसान योगेश पुत्र रामचंद्र को गहरी चोटें आई हैं। परिजनों द्वारा इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन गहरी चोट होने के कारण योगेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस द्वारा इस मामले में परिजनों की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। आज सूचना मिली थी गाँव सुंदरहेटी में एक ट्रक वाले ने एक मोटरसाइकिल चालक के साथ एक्सीडेंट कर दिया। उस सूचना पर फिर ये हॉस्पिटल में लिया है, यहाँ डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया और ट्रक चालक के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई कर दी और 176 की कार्रवाई की। तो पोस्टमार्टम करा दिया? पोस्टमार्टम अभी कराया। किसके बयान पे कार्रवाई है? ये मृतक के भाई भूपेश। ये मृतक कौन है, कहाँ का रहने वाला? योगेश कुमार है, सुंदरहेटी गाँव का। नागरिक अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल ट्रक चालक की तलाशी ली जा रही है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।